हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स के राउटिंग प्रोटोकॉल्स। इंट्रा डोमेन होता है, इंटर डोमेन होता है, और इंट्रा डोमेन का जो पहला राउटिंग प्रोटोकॉल हम कवर करने जा रहे हैं वो है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। सो इट सीज एन ऑटोनोमस सिस्टम विच इज AS विद ऑल द राउटर्स एंड नेटवर्क एज ए ग्राफ। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या करता है, जो एक ऑटोनोमस सिस्टम है जिसमें कि राउटर्स और नेटवर्क है, वो उसको एज ए ग्राफ देखते हैं। और ग्राफ क्या होता है, ग्राफ इज अ सेट ऑफ नोड्स एंड एजेस। सो ग्राफ इज अ सेट ऑफ नोड्स एंड एजेस। और एजेस क्या होती हैं, एजेस होती हैं जो नोड्स को कनेक्ट करती हैं, और इट दे आर द लाइंस कनेक्टिंग द नोड्स। तो अगर मेरे पास ऐसे दो नोड हैं, ये एक नोड ये है और एक नोड ये है, तो इन दोनों को जो कनेक्ट करेगा ये कहलाएगा एच। सो ये होगा एच और ये दोनों होंगी नोड्स। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या करता है, जितने भी राउटर्स हैं नेटवर्क्स हैं उन सबको एज ए ग्राफ ट्रीट करता है वो, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, द ग्राफ थ्योरी, क्योंकि एज ए ग्राफ ले रहा है, सो द ग्राफ थ्योरी यूज्ड एन एल्गोरिदम विच इज कॉल्ड एज बेलमैन फोर्ड और फोर्ड फुलकर्सन एल्गोरिदम फॉर अ वाइल टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन नोड्स इन ए ग्राफ गिवन डिस्टेंस बिटवीन देम। सो जैसे कि हमने प्रीवियस उसमें देखा था, जैसे अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, तो ये एक नोड है, ये नोड है, ये नोड है, और ये एजेस हैं। तो बेलमैन फोर्ड से हम क्या करते हैं, एक नोड से दूसरी नोड तक का मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। सो ये ग्राफ थ्योरी के अंदर यूज होता है। सो एक बेसिक कंसेप्ट हम देख लेते हैं बेलमैन फोर्ड का भी, क्योंकि जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है दैट इज बेस्ड ऑन बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। सो बेलमैन फोर्ड के लिए एक सिंपल सा ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ नोड्स हैं जैसे ए, बी, सी, डी एंड ई। तो ये कुछ नोड्स हैं और इन नोड्स को जो कनेक्ट कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगी, एजेस। ठीक है, सो दीज आर द नोड्स एंड दे आर द एजेस। अब इसमें क्या लिखा है, इट इज यूज टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन नोड्स इन अ ग्राफ गिवन डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब हर नोड का दूसरी नोड तक जाने के लिए जो डिस्टेंस है, जो मेट्रिक है, जो कॉस्ट है, वो गिवन होनी चाहिए। जैसे अगर ए से बी तक जाने के लिए कॉस्ट है 7, तो यहाँ पे 7 लिखा होगा। ऐसी ए से सी तक आने के लिए अगर 5 है तो 5 लिखा होगा। बी से सी के बीच में है 4, ऐसे सी टू ई के बीच में है 4, ए टू डी के बीच में है 3। तो ये जो चीज़ है, दिस टर्म, दिस इज द कॉस्ट ऑफ ईच एच, दिस इज द कॉस्ट ऑफ ईच एच। कि अगर मुझे सी और ई के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो जो कॉस्ट लगेगी वो 4 होगी, ठीक है। अब इसको देख के हम मिनिमम अपना पाथ डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि ए से ई तक मुझे कम्युनिकेशन करना है, तो ए से ई के लिए देखो कितने पाथ हैं। एक है कि ए बी के पास जाए, बी सी के पास आए, फिर सी से ई आ जाए, तो कितनी लगेगी उसमें, 7 + 4 + 4 डेट इज 15। और एक पाथ क्या है कि ए सी के पास आए और ई के पास आए, तो यहां पर कितनी लगेगी, 9। तो जैसे ही मुझे दो पाथ मिले तो मैं उनमें से कौन सा पाथ चूज करूंगा जिसकी कॉस्ट मिनिमम होगी। तो ये बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम है। अब इसी चीज को अगर मैं शो करूं तो कैसे शो कर सकते हैं, सपोज एक है आपके पास नोड आई और एक है जे, एंड बीच में यहां पे कुछ नोड्स हैं, एन नंबर ऑफ नोड्स हैं सपोज। तो आई से 1 तक जाने के लिए जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, सी आई 1 फॉर एग्जाम्पल। ऐसे आई से 2 तक आने के लिए क्या होगी, सी आई 2, एंड सो ऑन फॉर आई 2 एन सी आई एन। अब मुझे कहाँ पे जाना है, इन सब नोड से मुझे जाना है जे तक। तो यहां से यहां तक आने की कुछ कॉस्ट होगी, सपोज वो है डी 1 जे।
ऐसे यहां से यहां तक आने की भी कुछ कॉस्ट होगी, सपोज वो है डी टू जे, और यहां से यहां तक आने की कितनी कॉस्ट होगी, डी एन जे। ठीक है, सो इसमें क्या हुआ, डी आई जे क्या है, डी आई जे इज द डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी दिस इज डी वन जे, हमें निकालना है डी आई जे, डिस्टेंस बिटवीन नोड आई एन जे। तो ये क्या चीज है बेसिकली, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आई एंड जे, कि यहां से यहां तक आने का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम कह रहे हैं डी आई जे। देन सी आई जे इज द कॉस्ट बिटवीन आई एंड जे, एंड एन इज द नंबर ऑफ नोड्स। तो मैं लिख सकता हूं डी आई जे इज इक्वल्स टू, इट इज इक्वल्स टू मिनिमम, मिनिमम ऑफ, अब देखो एक रूट क्या था, यहां से यहां, यानी सी आई वन प्लस डी वन जे, तो सी आई वन प्लस डी वन जे कॉमा एक रूट क्या है, सी आई टू प्लस डी टू जे, ऐसी सी आई एन प्लस डी एन जे। सो अप टू जितने भी रूट्स हैं आपके पास आप सब लिखोगे यहां पे, और उन सब रूट्स में से जो मिनिमम रूट होगा वो डी आई जे बन जाए। सो दिस इज बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम, और जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर काम करता है, क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में भी हम जो ऑटोनोमस सिस्टम है उसको एज ए ग्राफ ट्रीट करते हैं। सो अब देखते हैं एग्जैक्टली डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग कैसे काम करता है। सो अब देखते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम, बेलमैन फोर्ड के ऊपर ही बेस्ड है, बट इसमें कुछ चेंजेस हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब जैसे हमने बेलमैन फोर्ड में देखा था कि एक नोड से दूसरी नोड का कुछ डिस्टेंस गिवन था, कोई कॉस्ट हमें दी हुई थी, जैसे ए से बी के बीच में कॉस्ट हमें 7 दी हुई थी। बट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, क्योंकि ये यूज होता है फॉर नेटवर्क पर्पसेस, इसमें जो कॉस्ट होती है दिस इज नॉर्मली इज हॉप काउंट्स, और हॉप काउंट का मतलब क्या होता है, हाउ मेनी नेटवर्क्स आर पास्ड बिफोर रीचिंग द डेस्टिनेशन। सो हॉप काउंट क्या है, इट इज अ नंबर ऑफ नेटवर्क क्रॉस्ड। ठीक है, और जनरली इसको हम क्या देखते हैं कि दो नेबर के बीच में जो हॉप काउंट होगा वो कितना होगा, 1। जैसे अगर हमारे पास एक ये है, एक नोड ये है और एक नोड ये है, सपोज एक नेटवर्क है ए, एक नेटवर्क है बी और एक नेटवर्क है सी। सो ए को सी तक जाना है तो क्या होगा, ए से बी तक जाने के लिए कितनी हॉप काउंट होगी, 1। ऐसे ही बी से सी तक जाने के लिए कितनी हॉप काउंट होगी, 1। सो वी कैन से दैट कि ए टू सी जाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, नंबर ऑफ हॉप काउंट्स, जो कि कितना है इस केस में, 1 प्लस 1, 2। क्लियर। देन द सेकेंड इज ईच राउटर नीड्स टू अपडेट राउटिंग टेबल ए सिंक्रोनसली, कि हर राउटर को अपनी राउटिंग टेबल को अपडेट करना है। कब अपडेट करेगा, व्हेन इट रिसीव्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नेबर। जैसे ए की एक राउटिंग टेबल है, अगर अब क्या होगा, अगर बी ने कोई अपडेट भेजा तो ए भी अपनी टेबल को अपडेट करेगा। सो दैट इज ईच राउटर नीड्स टू अपडेट राउटिंग टेबल। देन आफ्टर अपडेट रिजल्ट इज सेंड टू ऑल द नेबर्स। जैसे कि एक सिनारियो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ए है, दिस इज बी सी एंड डी, ए से बी तक जाने के लिए एक एक 1 1, ए की राउटिंग टेबल थी। अब क्या हुआ, बी से डी के बीच का लिंक खत्म हो गया, बी से डी के बीच का लिंक खत्म हो गया, तो बी अपनी राउटिंग टेबल को अपडेट करेगा जैसे मैंने यहां पे लिखा, और वो अपडेटेड राउटिंग टेबल को कहाँ भेजेगा, ए के पास। ए को क्या मिला, अपडेट मिला, ए ने अपनी टेबल अपडेट की, अब ए भी दोबारा अपनी टेबल को अपने नेबर से शेयर करेगा, मतलब आफ्टर अपडेशन ऑफ ए टेबल इट विल बी शेयर्ड विद बी एंड सी।
तो अब सी को पता लग जाएगा कि जो बी से डी तक का रूट था वो खत्म हो चुका है, सो दैट इज डन फॉर दिस पर्पस। देन ईच राउटर शुड कीप एटलीस्ट 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ईच रूट। कि जैसे अगर ए है एक राउटर, ए के पास एक राउटिंग टेबल होगी, उस राउटिंग टेबल में एटलीस्ट 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। और वो 3 चीजें क्या क्या हैं? पहली है डेस्टिनेशन नेटवर्क, कि कहाँ पे आप पैकेट को भेज रहे हो। सेकंड है कॉस्ट, कितनी कॉस्ट लग रही है। और थर्ड है नेक्स्ट होप, नेक्स्ट हॉप। इसका मतलब है नेक्स्ट नेटवर्क या नेक्स्ट राउटर। जैसे कि ए के पास, अगर ए से डी का रूट बी के थ्रू है, तो ए के पास क्या होगा? डेस्टिनेशन नेटवर्क है क्या? डी। कॉस्ट कितनी लग रही है? 1+1 दैट इज 2। और नेक्स्ट हॉप क्या है? किसके थ्रू जा रहा है? बी के थ्रू। सो ये इंफॉर्मेशन होगी। दिस इज डेस्टिनेशन नेटवर्क, दिस इज कॉस्ट एंड दिस इज नेक्स्ट हो। क्लियर? सो ये 3 इंफॉर्मेशन हर राउटिंग टेबल के पास होनी चाहिए। जबकि जब अपडेट आ रहा है तो उस केस में हमारे पास सिर्फ 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन से भी काम चल जाएगा। और वो दो कौन कौन सी है? एक तो डेस्टिनेशन नेटवर्क, और दूसरा है कॉस्ट। इसमें नेक्स्ट होप इंक्लूडेड नहीं होता, क्योंकि जो नेक्स्ट होप होता है वो सोर्स ही होता है। क्लियर? सो ये एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम का इंट्रोडक्शन है, इसकी थ्योरी है कि कैसे ये काम करता है। अब क्या होगा? जब रिकॉर्ड अराइव करेगा राउटर के पास, तो राउटर उस डेस्टिनेशन एड्रेस को अपनी राउटिंग टेबल में सर्च करेगा। ठीक है? और इसमें 2 सिनारियोज हैं, एक तो है कि एंट्री मिल जाती है और दूसरा है कि एंट्री नहीं मिलती। अब एंट्री मिलने के केस में क्या है? इफ द रिकॉर्ड कॉस्ट +1 इज स्मॉलर देन कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट इन द टेबल, इट मीन्स नेबर हैज फाउंड अ बेटर रूट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी, ए से बी, बी से सी और सी से डी। तो जो ए का जो राउटिंग टेबल है उसमें डेस्टिनेशन है वह मेरे पास, और कुछ कॉस्ट है, और नेक्स्ट होप हॉप है। डेस्टिनेशन है डी और कॉस्ट कितनी है? 1, 1, 1 दैट इज 3। और नेक्स्ट हॉप क्या है? बी। अब एक अपडेट आया वाया राउटर ई, ई ने ए को एक अपडेट भेजा जिसमें डेस्टिनेशन एड्रेस था डी। सो अब हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, डी था और उसने जो कॉस्ट बताई वो बताई, कॉस्ट क्या होती जनरली? जो यहां से यहां तक की कॉस्ट थी इसकी वो 1 थी +1, तो क्या हो जाएगी? 2। तो इसने कहा कॉस्ट है 2 और नेक्स्ट हॉप है ई, क्योंकि तो सोर्स एड्रेस ही है, तो ये अपनी राउटिंग टेबल के अंदर एंट्री करेगा। अब वो कंपेयर करेगा दोनों को, कंपेयर करके वो क्या करेगा? जिसकी कॉस्ट कम थी उसको रख लेगा और जिसकी कॉस्ट ज्यादा थी उस एंट्री को वो डिस्कार्ड कर देगा। दैट मीन्स ये वाली जो एंट्री है, दिस एंट्री विल नाउ गेट डिस्कार्डेड। ठीक है? अब इसमें एक और सिनारी हो सकता है, इफ द नेक्स्ट हॉप इज सेम, इट मीन्स सम चेंज हैज हैपेंड इन द नेटवर्क। अभी तक सिनारी हमारे पास यही है। अब एक और अपडेट किया ई ने, और वो अपडेट कब किया? जब ई से डी के बीच का जो रूट है वो खत्म हो चुका है, और इस केस में जो कॉस्ट होती है इस एच की वो हो जाती है इन्फिनिटी। तो अब क्या होगा? ए के पास एक और एंट्री आई, डेस्टिनेशन है डी, कॉस्ट क्या आई? इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट होप क्या? ई। जनरली क्या कहते हैं कि जो स्मॉलेस्ट एंट्री है उसको रख लो, जो लार्ज है उसको हटा दो। बट इस केस में आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इस केस में हम क्या करेंगे? हम इस वाली एंट्री को प्रिफ्रेंस देंगे ओवर दिस, क्योंकि इसने बताया है कि जो लिंक था ई और डी का वो ब्रेक हो चुका है। सो दिस शोज, अगर नेक्स्ट हॉप सेम है, इट शोज दैट सम चेंज हैज हैपन इन द
नेटवर्क। अगर आपकी नंबर जो नेक्स्ट होप है वो डिफरेंट है, तो उस केस में हम देखते हैं कि जो कॉस्ट है वो कितनी है, और जो मिनिमम कॉस्ट होती है उसको हम रख लेते हैं, और जो हायर कॉस्ट होती है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। देन द लास्ट पॉइंट इज वेरी सिंपल, इट सेज दैट इफ द एंट्री इज नॉट इन द टेबल देन द राउटर एडिट्स टू द टेबल एंड सॉर्ट्स द टेबल अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन एड्रेस। सो अगर एक और होता हमारे पास एफ, और ई से एफ तक का भी एक रूट होता, तो एफ की तो एंट्री है ही नहीं इसमें, तो सिंपल क्या होगा, एफ की वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगी। सो दैट इज हाउ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग वर्क्स इन द केस व्हेन द रिकॉर्ड अराइव्स। सो अब एक एग्जांपल देखते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का, और मैं बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें मैं हॉप काउंट को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। वैसे आपको बता रहा हूँ कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में कैसे एक के बाद एक जब अपडेट्स आते हैं तो कैसे पूरा राउटिंग टेबल क्रिएट होता है। तो एक सिंपल सा हम ले लेते हैं ग्राफ, क्योंकि ग्राफ के ऊपर बेस्ड है, तो एक ग्राफ ले लेंगे। सपोज ए बी सी और डी, इस तरह का एक ग्राफ हमारे पास गिवन है। डिस्टेंस यहां पे मेंशन है, और इसको यूज करके मैं सिर्फ एक अभी राउटर ए की राउटिंग टेबल को क्रिएट करूंगा, कि जब बार बार सबसे अपडेट्स मिलेंगे तो कैसे वो राउटिंग टेबल को क्रिएट करेगा। सो जब आपका टर्न वन है, तब राउटिंग टेबल जो ए की है वो कैसे दिखेगी, इंफॉर्मेशन होती है डेस्टिनेशन, नेक्स्ट हॉप और रूट कॉस्ट। तो सिंपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन, देन यहाँ पे नेक्स्ट हॉप। सो डेस्टिनेशन क्या होगा, एक होगा ए से ए, देन बी सी एंड डी, और नेक्स्ट हॉप क्या है, वही है ए बी सी एंड डी। तो एक तरह से मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं। अब देखो ए से ए के बीच में अब देखते हैं ए से ए का कुछ नहीं करना है हमें, ए से बी डेस्टिनेशन है बी, किसके थ्रू जा रहे हैं, बी के थ्रू, नेक्स्ट स्टॉप क्योंकि बी है तो यहां पे लिखेंगे, और डिस्टेंस कितना है थ्री। सो ये जो पूरी राउटिंग टेबल है किसकी है, ये राउटर ए है, यानी फ्रॉम ए, ये पूरा है फ्रॉम ए। तो ए से बी तक आने के लिए नेक्स्ट स्टॉप क्या होगी, बी, तो नेक्स्ट स्टॉप हमने बी सिलेक्ट किया, और डिस्टेंस कितना है तीन, तो तीन लिखा। ऐसे ही ए से सी तक आने के लिए डेस्टिनेशन क्या हो गया, सी, नेक्स्ट स्टॉप क्या है, सी, और डिस्टेंस कितना है 23, तो आप यहाँ पे 23 लिख दोगे। सो अभी जब टी वन था तो हम सिर्फ ए से डायरेक्टली बी और सी तक जा रहे थे, तो ये एक ही राउटिंग टेबल है। अब सिनेरियो कंसिडर करो, व्हेन टी इज इक्वल्स टू टर्न इज इक्वल्स टू टू एंड ए रिसीव्स अपडेट From C, A receives an update from C, and C tells that there is a path to D. There is a path to D with a cost 5. That means A के पास एक अपडेट आया C के द्वारा कि C से D तक का डिस्टेंस है मेरे पास जिसकी कॉस्ट है 5. तो ए क्या करेगा, ए अपनी टेबल में भी एक एंट्री कर लेगा डी तक की, डी तक की एंट्री कर लेगा, और जिसकी नेक्स्ट हॉप क्या होगी, 20 नेक्स्ट हॉप होगी सी, क्योंकि ए से डी तक जा रहा है थ्रू सी, और कॉस्ट कितनी हो जाएगी 23 प्लस 5 डेट इज 28, तो यहां पे एक एंट्री आ जाएगी 28, ठीक है। सो दिस इज like this, and similarly
सी अपडेट भेजेगा ए को कि मेरे पास बी तक का भी एक रास्ता है, तो डेस्टिनेशन कितना हो गया बी और कॉस्ट कितनी होगी 23+2 डेट इज 25। एंड एक और आएगा कि जब बी से ए के पास जाएगा एक पैकेट, बी कहेगा कि मेरे पास एक सी तक जाने का रास्ता है जिसकी कॉस्ट है 2। सो ए के पास क्या मिला, डेस्टिनेशन सी वाया बी, टोटल कॉस्ट 2+3 डेट इज 5। तो अभी ए की जो राउटिंग टेबल है वो कुछ ऐसे आपको दिखेगी। देन इसके बाद एक और अपडेट हुआ एंड ए रिसीव्स ए अपडेट फ्रॉम बी एंड इट टेल्स दैट देर इज अ पाथ वाया सी विद ए टोटल कॉस्ट ऑफ 7, क्योंकि बी की भी टेबल अपडेट हो रही है। सो नाउ ए रिसीव्स अपडेट फ्रॉम बी दैट टेल्स दैट बी टू सी टू डी देर इज अ पाथ एंड टोटल कॉस्ट इज 2+5 दैट इज 7। तो अब ए के पास एक आया अपडेट जिसमें डेस्टिनेशन क्या था डी, नेक्स्ट हॉप क्या है उस केस में, अब नेक्स्ट हॉप चेंज हो गई, नेक्स्ट हॉप हो गई है बी और टोटल कॉस्ट कितनी दी थी उसने 7, दैट इज 7+3 10। तो वो चेक करेगा कि इससे कम है तो वो यहां पे भी एक एंट्री कर देगा 10। सो इस तरह से ए की राउटिंग टेबल कंप्लीट हो जाएगी और ऐसे ही आपकी बी की, सी की और डी की भी राउटिंग टेबल्स को बनाना है। अब जब क्या होगा, इसमें इसको रूट डिसाइड करना है कि ए से बी तक भेजना है तो वो किसके थ्रू भेजेगा, इसके थ्रू, क्योंकि इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है। ए को सी के लिए भेजना है किससे भेजेगा, वाया बी, कम डिस्टेंस है। ए को डी तक भेजना है किसके द्वारा भेजेगा, वाया बी, क्योंकि कम डिस्टेंस है। सो इस तरह से डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी द फेमस प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग विच इज नोन एज काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम एंड विल ऑल्सो सी सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.